खबर मौसम से। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजधानी जयपुर सहित भरतपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करी जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा कोटा में 46.1, राजधानी जयपुर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में 4 जून से एक बार फिर से हीट वेव चलने की संभावना जताई है। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि आज से ही ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का जो दौर काफ़ी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना है।